ईंटा तैयार कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग देख सकते हैं ईंटा, पानी डाल चुके हैं बालू में, अब मसाला तैयार होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग के दोस्त हम लोग भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। बहुत धूप है, आप लोगों के साइड धूप है कि नहीं है कमेंट करके बताइएगा। क्या है कि दोस्तों अभी जो ना दिन भर काम करो या ना करो, लेकिन धूप की वजह से इतना थकावट लगता है ना कि क्या ही बताएं आप लोगों को। इतना धूप है बाहर निकलने का मन नहीं करता है। और धूप धूप दोस्तों हम लोग काम करते हैं, उसी प्रकार से जो है दोस्तों हम लोग का काम सुबह का आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से ईंटा बनाते हैं। तो आप लोग जो इस व्लॉग में शुरू से लगा कर तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कैसा लगा दोस्तों प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो अभी वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वही छोटा मोटा काम ही आप लोगों को दिखाऊं। बहुत दिन गैप हो जाता है दोस्तों, खुद को अच्छा ही लगता है और आप लोगों को भी इंतजार रहता होगा कि व्लॉग कब आएगा, वीडियो कब आएगा। तो भी आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा आपसे डेली वीडियो अपलोड करने का। तो इसी प्रकार से आज जो है हम लोग ईंटा बना रहे हैं सुबह सुबह। और सुबह सुबह क्या है दोस्तों कि सूरज नहीं उगा रहता है और सुबह सुबह का जो है ना मौसम बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। तो वही मौसम में हम लोग थोड़ा सा एक सीमेंट बोरी का ईंटा बनाते हैं, उसके बाद दूसरा काम करते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा दोस्तों। ठीक है, इधर हम लोगों का ईंटा बनके तैयार हो चुका है और हम लोग लगभग दो ट्रिप बालू का ईंटा बना चुके हैं दोस्तों। इधर बालू डंप किया हुआ है, देखिए अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। परदेसी भाई बैठा हुआ है, सुबह उसको उठाया हूँ, गाना वाना सुन रहा है। हम लोग गाना सुनते सुनते काम करते हैं, तो हम लोगों के सेट का माहौल सुबह सुबह कैसा है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग कल शाम को ईंटा को पटाए दोस्तों, और वहाँ पे हम लोग जितना ईंटा बन रहा है उसको वहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। तो चलिए बालू वालू नाप चुके हैं, सीमेंट बनाते हैं, ईंटा बनाते हैं। आप लोग देखते रहिएगा कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। और कई भाई लोग बोल रहे थे कि बड़ा ईंटा बना दे दोस्तों, तो बड़ा ईंटा हम लोग बना सकते थे, लेकिन क्या है कि उसको उधर इधर करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोग छोटा छोटा ईंटा ही बना रहे हैं, वही 8 इंची 9 इंची वाला, तो यही कम्फर्टेबल ईंटा है, हम लोग उधर इधर आराम से कर सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए देखते रहिए, बने रहिए व्लॉग में दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। काम चालू कर चुके हैं हम लोग, मसाला बनाने का तैयारी। सीमेंट डाल चुके हैं बालू में, पानी इधर भर चुके हैं हम लोग। परदेसी भाई से मिलवाता हूँ, परदेसी भाई हाय बोल दो। हाय। कितने बजे उठे हो सुबह? 5 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे दोस्तों काम पे लग जाते हैं, आम पेड़ के नीचे। लेकिन इस बार जो है हमारे साइड आम बिल्कुल नहीं फला है, इस बार आम खाने को नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा, आम खाने के लिए हम लोग तरस जाएंगे। अभी हम लोग के घर के आसपास लगभग हम लोग आम पेड़ 2-3 ठू लगाए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल आम नहीं हुआ है। खैर कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से हम लोग जुगाड़ करेंगे। तो मसाला अब रेडी होगा, बालू है, सीमेंट है, अब इसको फैलाते हैं। चलो परदेसी भाई फैलाओ, फिर उसमें पानी मिला करके मसाला तैयार करेंगे, ये जो है आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो अपना परदेसी भाई जो है ना मसाला बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। परदेसी भाई जानता है ना बनाने? नहीं जानता। पहले इसको फैला ले सीमेंट को। तो चलिए परदेसी के साथ साथ मैं भी करता हूँ, ये दिखाते हैं कैसे कैसे करते हैं, ईंटा कैसे बनाते हैं। हमारा मसाला तैयार हो रहा है, सीमेंट बालू मिक्स हो रहा है अभी अच्छे से। तो देखिए इस प्रकार से मिलाया जाता है बालू को सीमेंट को, अब इसमें पानी मिक्स किया जाएगा। पानी डाल चुके हैं बालू में, अब मसाला तैयार होगा। आराम से आराम। और अब विक्रम भाई भी आ गया। गुड मॉर्निंग। कितने बजे उठा सुबह? टाइम नहीं हो गया था, समझ रहे दोस्तों, टाइम नहीं हो गया था। तो सूरज निकल रहा है और इधर दादा दादू घूम रहे हैं सुबह सुबह। मसाला बन के हो गया रेडी, अब इसको हम लोग ईंट बनाएंगे। तो इधर ईंट बनाएंगे हम लोग, अभी ठंडा लग रहा है, कुछ घंटे बीतने के बाद इतना जोर से धूप लगेगा कि सहन ही नहीं होगा। देखिए ये जो है ना कल का बनाया हुआ ईंट है,
और ये जो ईंट है इधर का, ये परसों का बनाया हुआ है। और इधर हम लोग ईंट बना के इकट्ठा किए हुए हैं, चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए इसको हम लोग कल शाम को पटाए हैं, इसलिए गीला गीला दिख रहा है। बहुत मजबूत ईंटा बनता है दोस्तों, ये आसानी से टूटता नहीं है। लेकिन क्या है कि कभी कभी बनाते बनाते टूट जाता है ना, तो जैसा टूट जाता है वैसे ही हम लोग बना देते हैं, नहीं है उसको तोड़ते हैं। और परसों की बात है दोस्तों, इधर कुत्ता घुस गया था तो 6-7 ईंटा ख़राब कर दिया वो। देखिए चढ़ गया था, पूरा ईंटा टूट गया। इस तरह से हम लोगों का काम अभी तो ठीक, अभी बनाएंगे ईंटा सुबह सुबह। इस तरह से अभी बनेगा यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत करेंगे बनाने का। कितना बनाते हैं आज आप लोगों को बताऊंगा, तो बने रहिएगा व्लॉग में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। किधर लेके जा रहे हैं माल, मसाला माल? यहाँ से बनाना चालू करेंगे। लगे हुए हैं अपना विक्रम भाई दोस्तों भाग रहा है, मसाला जो इधर परोसने का काम कर रहे हैं। परदेसी भाई थक गया बनाते बनाते, और इसका लगभग 3-4 ठो ईंटा आज खराब हुआ है। और मेरे साइड के ईंटा दोस्तों ताबड़तोड़ चकाचक मस्त बन रहा है। अभी धीरे धीरे समय अभी आ रहा है, होते आ रहा है, सूरज अभी उग चुका है दोस्तों, थोड़ी देर के बाद धूप करेगा। उससे पहले हम लोगों को जो ईंटा बना के तैयार करना है। क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? धसक रहे हैं, मत खिसका ना आराम से। ईंटा तैयार कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, देख सकते हैं ईंटा। इस तरीके से मेहनत करना पड़ता है ईंटा बनाने के लिए। लगे हुए हैं सुबह से, प्लेन करो, दिखाते हैं किस तरह से ईंटा बनेगा। अभी ऐसा थलथल का मारना पड़ता है जिससे कि सच्चा जो है ना छोड़ दे। इस तरीके से ईंटा बन जाता है दोस्तों। तो लगे हुए हैं ना परदीप भाई के साथ, थक गए दोस्तों, पूरा कमर झुक झुक के टटा जाता है। खैर कोई बात नहीं, ख़त्म हो ही गया अभी मसाला, ये आखिरी है, एक ईंटा लगभग बनेगा। बनाकर कंप्लीट कर चुके हम लोग, देखिए इतना सारा ईंटा मॉर्निंग टाइम में दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक बनाए हम लोग। तो एक बोरी सीमेंट का लगभग 100 ईंटा बनाते हैं हम लोग, तो बना के कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर कल मॉर्निंग के लिए फिर हम लोगों को ईंटा बनाना है, तो उसके लिए हम लोग अभी बालू नापेंगे। इधर से हम लोग बालू नापते हैं, दिखाता हूँ। हवा सब आता है तो ये बोरी सबको इधर उधर उड़ा देता है हवा, तो यहाँ से उठा करके हम यहाँ डालते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक बोरी में कितना तगाड़ी डालते हैं बता देता हूं आप लोगों को। तो हम लोग ना 32-35 तगाड़ी लगभग डालते हैं बालू। यहां पे नापेंगे, डालेंगे कल के लिए, सुबह उठेंगे फिर तुरंत से मिक्स करेंगे, फिर बनाएंगे हम लोग ईंटा। तो अभी ही नाप लेते हैं। तो समय जो हो रहा है दोस्तों अभी मॉर्निंग का 8 लगभग बज रहा है, तो काफ़ी टाइम लग गया बनाते बनाते, धीरे धीरे बनाते हैं हम लोग, उतना एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं। तो अभी बालू नापते हैं। चलो पर्दे से तगाड़ी लेके आओ तीनों को, फिर ब्रश व्रश करेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद अगला काम देखेंगे। तो आज भामा बाज़ार है, भामा बाज़ार भी जाना है, लेके आओ। अब इसको पकने में टाइम लगेगा, अब दिन भर में सूख जाएगा, इतना धूप है ना कि सूख जाता है। फिर शाम को हम लोग इसको फिर से पटा देंगे। जितना पानी पटाओगे उतना मजबूत होगा दोस्तों ईंटा, क्योंकि सीमेंट बालू का ईंटा है। इतना सारा बालू है, कब के दिन में हम लोग बना के ख़त्म करेंगे। अभी नापते हैं फटाफट 35 तक गाड़ी। कल के लिए भी बालू नाप लिए, नापते नापते थक गए, तो बंद कर दिया उधर का गेट को, और यहाँ पे कल के लिए बालू भी रेडी हो चुके हैं। तो कल क्या करना है कि सुबह उठना है, सीमेंट लेके आना है, मिक्स करना है, मसाला बनाना है, फिर से कल ईंटा बनाना है दोस्तों। तो परदीसी अभी ब्रश कर रहे हैं,
ब्रश कर ले, फिर नाश्ता पानी करेंगे, आराम करेंगे, फिर दोस्तों दूसरा टाइम जो है हम लोग बाज़ार जाएंगे। तो ठीक है, आज का छोटा सा ब्लॉग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस सेट कर दीजिएगा। अभी हम लोग ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग लाते रहूँगा दोस्तों, आप लोग जैसा सपोर्ट बनाए रखें वैसे ही बनाए रखिएगा। और आप लोग जिन्हें मेरा ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगता है ना कमेंट भी कीजिएगा, तब मेरे को पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग जो है ना कैसा लगता है। तो ठीक है, अभी हम लोग छोटा छोटा ऐसे ही काम करते रहेंगे, छोटा छोटा आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो अभी जो है गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जो है ना गर्मी में क्या काम कर रहे हैं, बाहर जाते हैं नहीं जाते हैं कि घर में रहते हैं, क्या कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है, आज का छोटा सा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।